नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे पाठशाला में। देखो, जैसे जैसे रूप डी की परीक्षाएं खत्म हो रही है, वैसे वैसे बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा कि अलग अलग दिन पे कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए आज एक PDF बताने जा रहा हूं। इस PDF से पूरी तरीके से हर तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये जो PDF है ना, ये पूरा हिंदी वर्ड वाले के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप हिंदी मीडियम से अपने ग्रुप डी की परीक्षा को दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि हिंदी मीडियम के अनुसार साइंस कंप्लीट हो जाए, आपकी विज्ञान कंप्लीट हो जाए, तो आप 10वीं क्लास की इस PDF को पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। और 10वीं क्लास की जो PDF है ना, विज्ञान की PDF, ये आपको 400 पेज में मिलेगी। और इसी 400 पेज में आपके चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो या ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल हो, हर तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। मैं एक एक करके आपको ये सारा कुछ दिखा देता हूं ताकि आपको एक बार विश्वास हो जाए। आप देखिए, इसमें जो पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो प्रकाश स्टार्ट हुआ है। ये देखिए, अगर प्रकाश में देखिए तो यहां पर प्रकाश की पूरी थ्योरी के साथ साथ जितने भी हमारे कह सकते हो पॉइंट बनेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये सब कुछ है। मैं डायरेक्ट आपको वो क्वेश्चन की ओर ले जाता हूं जो क्वेश्चन हमारे ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये सारा कुछ कंप्लीट थ्योरी है आपकी, आप इसको जरूर पढ़िए, है ना। उसके साथ साथ आपको बता दिया जाए, प्रकाश में न्यूमेरिकल बहुत आ रहे हैं, तो यहां से देखिए आपके जो न्यूमेरिकल वाले पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं, यानी यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते लघु उत्तरी प्रश्न, आप इनको कंप्लीट देखिए। और कंप्लीट देखने के बाद यहीं से आप लोगों को आगे पता चलेगा इसके न्यूमेरिकल। ये देखिए, तो अगर थोड़ा आप गौर से देखिए तो यहां से अनटेड प्रश्न शुरू हो रहे हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो सारे के सारे क्वेश्चन, अगर कोई न्यूमेरिकल है तो वो आपको इसी PDF से मिल रहा है। आप जैसे भी वाला क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे अवतल दर्पण का न्यूमेरिकल है पूरी तरीके से, है ना। सेम तरीके से मैं आपको बताऊं, और भी आप PDF को आगे बढ़ाते तो ये देखिए, ये हमारा अगला न्यूमेरिकल हो गया। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल एक एक शिफ्ट में आए हुए हैं, पूछे गए हैं, है ना। तो ये आपका यहां से फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है ऑप्टिक्स, जो कि रेलवे में सबसे ज्यादा आ रहा है। अब यहां से तुम्हारे कह सकते हो न्यूमेरिकल हमारे लेंस वगैरह के स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए, तो कंप्लीट PDF आपको यहां पर मिल जाएगी। और ये PDF में आपके हर तरह के क्वेश्चन है जैसा साइंस का सिलेबस होता है। हमें आपको छोटा करके और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप देखिए यहां पर ये दर्पण के न्यूमेरिकल भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग ये सारे के सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं तो ऑप्टिक्स का सिंगल ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो बाहर जाए। और केवल यहां तक ही नहीं, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्टिक्स ही हो, इसमें आपको हर तरह के साइंस के चैप्टर मिलेंगे। मैं एक एक करके देखिए, अभी तक आपने देखा होगा ये घटना बहुत ज्यादा पूछी जा रही है जिसका नाम है आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इससे डेफिनेटली क्वेश्चन बन रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। उसके अलावा और भी मैं दो चार चीजें आपको दिखाता हूं और जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, यहां से सारे के सारे क्वेश्चन बन रहा है, है ना। देखिए, इसके अलावा ये सारी की सारी तरंदैर्ध्य, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है, चाहे वो लघु उत्तरी प्रश्न हो चाहे दीर्घ उत्तरी प्रश्न हो, ये सब, फिर ये लेंस वाला टॉपिक शुरू हो जाता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो आए हुए सवाल है ना। अब मैं डायरेक्ट आप लोगों को बायोलॉजी की ओर ले जाता हूं। ये तो मैंने आपको लाइट दिखाया कि लाइट से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। लाइट के अलावा मैं आपको बता देता हूं कि लाइट के ये सब न्यूमेरिकल, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल भाई साहब आ रहे हैं, ये सब न्यूमेरिकल आ रहे हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं एक क्लास में लाइट के सारे न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करा दूंगा। ओके, अच्छा, इसके बाद देखिए प्रकाश का ये सूक्ष्मदर्शी से भी देखिए सवाल पूछा जा रहा है। ये दोबारा सूक्ष्मदर्शी का सवाल हो गया, हरा। तो यहां से आप पूरा कंप्लीट सूक्ष्मदर्शी पढ़ सकते हो। कल ही मैंने बताया था कि ये जो सूक्ष्मदर्शी है ये तुम्हारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, हरा। इससे आवर्धन से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, हाँ। उसके अलावा लाइट वाला चैप्टर सबसे बड़ा है और आप देखिए लाइट वाले चैप्टर से ही सबसे ज्यादा सवाल भी पूछे जा रहे हैं। फिर ये विद्युत धारा और उसके प्रभाव पर सवाल आ गया, विद्युत धारा करंट पर रिलेटेड, उसके प्रभाव से रिलेटेड ये सब थ्योरी आ रही, आप इसको कंप्लीट देखिए। ओके, आप इसको जब आप कंप्लीट देखोगे तो देखिए धारा का हमारा सीरीज कनेक्शन, धारा का पैरेलल कनेक्शन, ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, आप इस पर देखिए। ओके, और इस पर देखिए जितने भी हमारे डायग्राम वाले सवाल आएंगे वो सारे के सारे डायग्राम वाले, ये देखिए ये सारे के सारे प्रश्न, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, है ना। आप देखिए ये वाला क्वेश्चन एजिटेज, जो है ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, ये हमारा न्यूमेरिकल पूछा गया एजिटेज, आप जाके मिला लीजिएगा, ये एक शिफ्ट में आया हुआ सवाल है,
तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को किसी दिन थ्योरी पे लाके सॉल्व कर दूंगा, लेकिन ये सारी की सारी पीडीएफ आपको एग्जाम से पहले सॉल्व करनी है। मैं जो दिखाने वाला हूं आपको वो मेन आपको केमिस्ट्री में जो इस समय रिएक्शंस पूछी जा रही है ना, वो भी आप देखिए कहां से पूछी जा रही है। मैं वो सारी की सारी रिएक्शन भी आपको दिखा देता हूं कि वो सारी रिएक्शन, ये सारे न्यूमेरिकल, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल हमारे टेस्ट तो पूछे जा रहे हैं। ओके, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, और भी मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, और आगे बढ़ाने के साथ साथ ये सारे के सारे रिएक्शन की ओर भी ले चलता हूं कि ये रिएक्शन कहां से आ रही है। ये देखिए, ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र से सवाल पूछा जा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र से सवाल पूछा जा रहा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये भी काफी ज्यादा आ रहा है, इसको आप पूरा पढ़ लेना, यानी ये कंप्लीट साइंस की पीडीएफ है, ये कंप्लीट साइंस की पीडीएफ है। आप देखिए लाइन से पूरा देखिए, ये सब चुंबकीय क्षेत्र पर पूछे गए न्यूमेरिकल है और हाई स्कूल पर है। कल मैंने देखिए इस पर आधारित आपको सवाल भी सॉल्व कराया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस है। बच्चे, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये कक्षा 10 की फिजिक्स है। अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार पे ढेर सारे प्रश्न जो पूछे गए ना वो आपको यहीं से आए हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो और या फिर कह सकते हो किसी भी थ्योरी वाइज पोर्शन हो। ठीक है, ये देखिए, ये सारा का सारा कह सकते हो एसिड और बेस ही है ना। अब मैं आपको और भी एसिड और बेस के बाद अगला वाला जो टॉपिक है उसको भी क्लियर कर देता हूं कि अगला वाला टॉपिक कहां से आ रहा है। ये देखिए, ये पूरा हमारा एसिड और बेस, ये रिएक्शंस है, यही वाली रिएक्शन सबसे ज्यादा पूछी भी जा रही है, इन्हीं रिएक्शन। आप देखिए, ये जो रिएक्शन लिखी ना, बेटेन पाउडर के गुणधर्म, ये सबसे ज्यादा आ रहे हैं, है ना। तो मैं अल्टीमेट आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये सारी की सारी पीडीएफ, ये पूरी पीडीएफ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। धातु और अधातु, ये सारे का सारा कुछ देखिए एकदम क्लियर भाषा में लिखा हुआ है। तो मेरे भाई, ये रिएक्टिविटी टेबल बनी हुई है, आप इसको जरूर देखिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये कंप्लीट पीडीएफ को एक बार पढ़ लीजिए, और ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल का नाम भी नोट कर लेना, जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वो है पाठशाला रेलवे एग्जाम, पाठशाला रेलवे एग्जाम। आप इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और इस पर मैं ये पीडीएफ आपको डाल दूंगा, पाठशाला रेलवे एग्जाम। और हो सकेगा तो इस पीडीएफ में जितने भी हमारे न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल का मतलब हाई स्कूल लेवल पे जो भी न्यूमेरिकल आएंगे, चाहे वो हमारा किसी भी चैप्टर से न्यूमेरिकल हो, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, इस टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाइए ले लीजिए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न इसी से आ रहे हैं। ठीक है।